नमस्कार दोस्तों, नौकरी ज्ञान यूट्यूब चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में बात करेंगे यूपी पुलिस के बारे में। जैसा आपको पता है, उत्तर प्रदेश पुलिस में 51,216 पदों पर वैकेंसी आने वाली हैं, तो अभ्यर्थियों के लिए काफ़ी खुशी की खबर है। पहले जो बोला जा रहा था कि भर्ती अभी टलेगी, कुछ दिन बाद होगी, तो नई भर्ती का जो आवेदन है वो कल से ही होगा, वो मैं आपको इस न्यूज़ में दिखाऊँगा। तो काफ़ी बड़ी न्यूज़ आपके लिए निकल कर आ रही है। लेकिन उसके लिए क्या है, सभी राज्यों का अगर आप किसी भी स्टेट से हैं तो आप किसी लिए अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन आप जनरल में काउंट होंगे। तो कैंडिडेट्स के लिए काफ़ी अच्छी खुशी की खबर है। तो जिन कैंडिडेट्स का अभी इन जो ये भर्तियाँ थी उनमें नहीं हुआ है, तो उनके लिए गोल्डन चांस है, वो इसके लिए अप्लाई ज़रूर से ज़रूर कर दें। तो अभी चलते हैं सीधा न्यूज़ पर, उसमें मैं आपको दिखा देता हूँ कि आवेदन की तिथि कल से ही बताई गई है कि कल से आपके आवेदन शुरू होंगे, आपको नोटिफिकेशन कल प्रोवाइड करा दिया जाएगा। तो दोस्तों, उससे पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो भी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि जॉब्स का कोई भी लेटेस्ट अपडेट आपसे मिलना हो, चाहे स्टेट गवर्नमेंट जॉब हो यूपी में निकली हो या सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब हो। और दोस्तों, हमने टेलीग्राम का एक ग्रुप बनाया, आप वहाँ ऐड हो सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। उसका फ़ायदा ये होगा कि कई बार क्या होता है, हम वीडियो डालते हैं तो यूट्यूब नोटिफिकेशन नहीं भेजता है, जिस तक आपको अपडेट नहीं मिलता है। तो आप उस ग्रुप में जुड़ जाएंगे तो सारी वीडियो हम वहाँ शेयर कर देंगे और आपको सारे अपडेट टाइम टू टाइम मिलते रहेंगे। और एक फ़ायदा ये भी, वहाँ गवर्नमेंट जॉब्स की तैयारी कर रहे कैंडिडेट जुड़े हुए हैं, आप उनसे अपने डाउट क्लियर कर सकते हैं, और कोई डाउट हो तो आप हमें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या उस ग्रुप में डायरेक्ट पूछ सकते हैं, वहाँ आपकी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी भी होगी। तो अभी चलते हैं सीधा उसी न्यूज़ पर और आपको दिखा देते हैं। तो दोस्तों, ये देखिए, आप देख सकते हैं लिखा है जनवरी में ही होगी सिपाही भर्ती 2018 परीक्षा। तो यहाँ देखिए, सिपाही भर्ती 2018 का हिस्सा बनने की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए यह खबर बेहद महत्वपूर्ण है। वे अपनी तैयारी और तेज़ कर दें, क्योंकि शासन और उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती बोर्ड जनवरी में प्रस्तावित परीक्षा के शेड्यूल को हर हाल में पूरा करने के लिए काम कर रहा है। सूत्रों का कहना यह है कि इसी सप्ताह सिपाही के 51,216 पदों पर सीधी भर्ती का विज्ञापन जारी होगा और 15 नवंबर को ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया शुरू कराने की तैयारी है। तो आपका कल से ही हो सकता है आपके आवेदन शुरू हो जाएंगे। यहाँ देखिए, साफ साफ बताया गया कि 15 नवंबर को आवेदन कराए जाएंगे ऑनलाइन, ठीक है। तो आपको कल इवनिंग तक ये नोटिफिकेशन आपकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ पर मिल जाएगा, अदरवाइज आपके लिए कोई और ऑफिशियल नोटिस जारी कर दिया जाएगा अगर एक दो दिन डिले होगा तो उसके संदर्भ में। तो भर्ती बोर्ड इसके लिए निजी एजेंसी को दायित्व सौंप रही है, जैसे आपको पता है TCS को इसका दायित्व मिल गया है। तो परीक्षा जनवरी 2019 के प्रथम सप्ताह में ही कराए जाने की कसरत तेज़ कर दी गई है। तो देख लीजिए, जो कैंडिडेट्स तैयारी कर रहे हैं उनके लिए देखिए, एक महीने का समय है, जनवरी फर्स्ट वीक में तो आपकी तैयारी करा दी जाएगी, मतलब सॉरी परीक्षा करा दी जाएगी। तो आपके पास तैयारी का बस दिसंबर बचा है। यहाँ देखिए, सिपाही भर्ती 2018 के ऑनलाइन आवेदन की प्रस्तावित तारीख पहले एक नवंबर तारीख घोषित की गई थी, लेकिन तकनीक खामियों की वजह से इसको थोड़ा डिले कर दिया गया। तो अब जिसके बाद जनवरी 2019 में प्रस्तावित परीक्षा की तारीख भी टलने की आशंका जताई जा रही थी, लेकिन अभी बताया जा रहा है कि परीक्षा जनवरी में ही होगी और आपके जो आवेदन हैं वो 15 नवंबर से होंगे। तो देखिए, यूपी पुलिस को मिलेंगे 173 और दरोगा भर्ती 2011 में वाइडनर प्रकरण के चलते चयन प्रक्रिया से बाहर हुए 173 अभ्यर्थियों को हरी झंडी मिल गई है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर भर्ती बोर्ड यह कार्रवाई की है। चयनित अभ्यर्थियों की सूची DGP मुख्यालय को भेज दी गई है। जल्दी 173 अभ्यर्थियों को उपनिरीक्षक के प्रशिक्षण पर भेजा जाएगा। तो जो 173 जो दरोगा थे उनको भी अभी नियुक्ति मिलेगी। आपका जो ऑनलाइन आवेदन है वो 15 नवंबर से शुरू होगा। आपकी जो परीक्षा हो जनवरी में प्रस्तावित है, फर्स्ट वीक में आपकी जो है परीक्षा हो जाएगी। तो दोस्तों, यही लेटेस्ट अपडेट था, ये शायद कल की न्यूज़ है। तो ये आपके लिए काफ़ी अच्छी खबर है, जिन कैंडिडेट्स का अभी यूपी पुलिस में नहीं हुआ है या और कोई जॉब में, जैसे आपने ग्रुप डी का या कोई भरा तो उसमें आपका एग्ज़ाम अच्छा नहीं हो, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और इसके लिए अदर स्टेट भी एलिजिबल हैं, वो भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन वो जनरल में काउंट होंगे। तो इसके लिए आपको पूरा डिटेल्स में कल नोटिफिकेशन आने के बाद बता दिया जाएगा। दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही था। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। सभी कैंडिडेट तक ये वीडियो शेयर कर दीजिए, जो भी आपके व्हाट्सएप फेसबुक ग्रुप हैं उनमें। और दोस्तों, एक चीज़ मैं आपको और बताना चाहूँगा कि टेलीग्राम ग्रुप में आप जरूर जुड़ जाएं, अगर आप चाहते हैं सारे लेटेस्ट अपडेट आप तक टाइम टू टाइम पहुंचते रहें। तो इस वीडियो में इतना ही था, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद। आशा करता हूं आपको वीडियो पसंद आया होगा, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को जरूर दबा लें।